बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। तो आज भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, इसकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इजहार करते रहा करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके कमेंट से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसका मुझे नहीं पता होता या वो न्यूज़ मुझ तक नहीं पहुँची होती, और आपके कमेंट से ही मैं नेक्स्ट टॉपिक जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना होती है वो आपके कमेंट से ही मैं लेता हूँ। तो इसलिए इसकी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट्स को ज़रूर किया करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इन्फॉर्मेशन की। अच्छा, ये जिस सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसके लिए मुझे कहा गया जी, मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट किया जी, यासर भट भाई हैं, यासर भट भाई ने शायद गोल्फ रेजिडेंशिया में प्लॉट लिया हुआ है तो उस वजह से वो गाहे बगाहे इसके लिए कमेंट्स करते रहते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो इनकी नई अपडेट होती है वो पूछते रहते हैं कि क्या इन्होंने मजीद काम किया। तो यासर भट भाई, सबसे पहले तो मैं इसकी लोकेशन बताता हूँ क्योंकि यासर भट भाई ने को तो पता है, तो दूसरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, हमारी बहनें हैं और कुछ मेरे अंकल्स हैं, आंटीज हैं, तो उन सब के लिए सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन बताता हूँ जी। जब हम खारियां से इस सराय गिर जाते हैं तो ये हमारे राइट हैंड आती है रोड के दूसरी तरफ, और अगर हम सराय गिर से खारियां की तरफ जाएं तो ये हमारे लेफ्ट हैंड आती है और ट्रेन की जो पटरी है उसके बैक साइड पर, पिछली साइड पर है। इसकी एंट्रेंस है जो वो रेल की पटरी के ऊपर से ब्रिज बनेगा जो कि उसका काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि बिल्कुल विलेज जो रेस्टोरेंट है उसके साथ उसकी फाउंडेशन है उन्होंने खड़ी कर दी हुई है। अब स्लोली स्लोली अंदर की तरफ कटाई हो रही है, जब वो सारा कंप्लीट हो जाएगा सबसे लास्ट पे जो ट्रेन का ब्रिज है, ट्रेन की जो पटरी है बिल्कुल ट्रेन की लाइन के ऊपर, उसके बाद लास्ट पे ब्रिज बनना शुरू होगा, लास्ट पे उधर काम करना शुरू करेंगे वो, क्योंकि वो सबसे पहले अंदर की तरफ और बाहर की तरफ से कंप्लीट करके उसके बाद फिर वो ट्रेन की पटरी के ऊपर से काम करना शुरू। एनओसी की बात की जाए तो एनओसी के इनके पास जी टोटल ज़मीन है 8000 कनाल, तो 8000 कनाल में से 2500 कनाल की इनके पास एनओसी है जो के टी एम सरायमगीर से इन्होंने हासिल कर ली है। तो 2500 कनाल है उस पर ये काम करेंगे, तो ये डिलीवर करने के बाद बाकी जो ज़मीन है उस पर काम करना शुरू करेंगे, जो के जो मैनेजमेंट है उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो उनसे रब्ता हुआ है मेरा। तो ये थी इसकी एनओसी की बात। उसके बाद डेवलपमेंट की बात की जाए तो कटाई का काम चल रहा है, स्लोली स्लोली चल रहा है, क्योंकि लोग दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं, कुछ मैसेज वगैरह करते हैं, वो इसके बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं जी इसके सामने तो वो फलां सोसाइटी ने इतना काम कर दिया है। तो देखें जी, फलां सोसाइटी इसके सामने जो न्यू मेट्रो सिटी है या जो द ग्रैंड सिटी है वो इनमें या उसमें काफ़ी फ़र्क है। न्यू मेट्रो सिटी के पास इक्विपमेंट्स हैं और वो एक कंपनी है जो कि सेम बहरिया या बहरिया इस कंपनी को कोई भी किसी किस्म का कोई मसला होता है तो वो डायरेक्ट बहरिया से कहाँ रब्ता करते हैं, वो टोटली इन्हें हेल्प करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी का या इसका आपस में बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है, इनके पास उस तरह की मैनेजमेंट नहीं है, उस तरह की इक्विपमेंट्स नहीं है, उस तरह की बड़ी एक कंपनी नहीं है जो कि रातों रात इसको डिवेल्प करते जिस तरह न्यू मेट्रो सिटी डिवेल्प हुई है। इसके बरक्स बात की जाए द ग्रैंड सिटी की, द ग्रैंड सिटी को डेवलप कर रहे हैं, उन्हें जो पहले मैप दिया था उसके मुताबिक, जो मॉडल दिया था उसके मुताबिक उन्होंने काम किया है और ठीक ठाक किया, लेकिन टाइम लगा काफ़ी। तो इसी तरह ये भी एक कंपनी है लेकिन उस तरह की स्ट्रांग कंपनी नहीं है, तो काम करेंगे स्लो स्लो करेंगे, लेकिन कहेंगे रातों रात ये बना दें, रोड्स बना दें और प्लॉट्स पोजेशन देना शुरू कर दें तो वो उस तरह अभी नहीं होगा। अभी इनका बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा उधर, क्योंकि इस साइड पे और उस साइड पे काफ़ी फ़र्क है, इधर टीले हैं, पहाड़ियाँ हैं, इधर कुछ थोड़ी सी इस तरह की पहाड़ियाँ थी कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी न्यू मेट्रो सिटी की तरफ और ग्रैंड सिटी की तरफ, वो आपस में थोड़ा सा गैप था, वो इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ नहीं थी। इस साइड पे गल्फ रेजिडेंशिया की तरफ खाइयाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन्हें काटना और दूसरी खाई को फिलिंग करना वो काफ़ी मसला बनता है। तो ये थी इसकी गल्फ रेजिडेंशिया की कुछ इन्फॉर्मेशन। कटाई हो रही है,
मेन एंट्रेंस का काम चल रहा है, बाहर की तरफ से काम उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी हुई है, अंदर की तरफ से अभी कटाई हो रही है। सबसे लास्ट पे जो ब्रिज के ऊपर से ब्रिज बनना है, जो लाइन पटरी जो ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की लाइन है, उसके ऊपर से सबसे लास्ट पे वो ब्रिज बनाएंगे, पहले नहीं बनाएंगे, पहले बाहर से और अंदर की तरफ से कटाई करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। अंदर से कटाई कर रहे हैं, ब्लॉक्स को सेपरेट अभी नहीं किया कि कह दें कि इस तरफ ये ब्लॉक की बाउंड्री लगा दी है, नहीं। हाँ, मैप देख के मैं बता सकता हूँ कि ये 5 मरले की कटाई हो गई है, क्योंकि मैप मैंने जो देखा हुआ है उसके मुताबिक साइड पे 5 मरले की कटाई कर रहे हैं अभी। तो इस तरह की कुछ पोजीशन है, एकदम से अभी रेडी नहीं हुआ, तो हो जाएगा, स्लो होगा, लेट कर लेंगे। हाँ, अगर आज ही अभी इनके पास कोई स्ट्रांग कंपनी आ जाए एक ठीक ठाक, तो हो सकता है ये जो सालों का काम है ये महीनों में ख़त्म करें, और जो इनके पास महीनों का काम है, थोड़ा बहुत जो छोटे छोटे काम है, वो ये दिनों में खत्म कर सकते हैं। लेकिन अभी इनके पास उस तरह की स्ट्रांग कंपनी नहीं है जो कि एकदम से रातों रात अपनी मशीनरी लाएं और काम करना शुरू कर दें। ये थी गल्फ रेजिडेंशियल की कुछ इन्फॉर्मेशन, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबके रिस्क रोजी में इजाफा करे, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।